Hey guys, what's up? This is me, SK, and you're watching Wrestlelent. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाले AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू में होने वाले सरप्राइजेस के बारे में। दोस्तों हमें किस मैच में क्या सरप्राइज देखने को मिल सकता है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों हम सबसे पहले मैच के बारे में बात करते हैं जो कि हमें स्टिंग एंड डार्विलियन वर्सेस स्कॉर्पियो स्काई एंड इथन पेज का मैच देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अभी इस मैच में उम्मीद है कि हमें स्टिंग एंड डार्विलियन जीतते हुए दिखाई देंगे और बैटिंग ओड्स के हिसाब से भी हमें इस मैच में स्टिंग एंड डार्विलियन जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक काफी बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है कि अगर हमें इस मैच में स्टिंग एंड डार्विलियन हारते हुए दिखाई दे, क्योंकि स्टिंग का लगभग 6 सालों बाद ऑडियंस के सामने इन रिंग रिटर्न होने वाला है और अगर वो पहले ही मैच को हार जाए तो एक काफी बड़ी सरप्राइजिंग थिंग होगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि हमें TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, मीरो वर्सेस लेंस आर्चर का। तो दोस्तों अभी हाल ही में मीरो TNT चैंपियन बने हैं डार्बी एलन को हराकर। लेकिन दोस्तों अगर हमें इस मैच में टाइटल चेंज देखने को मिले और लेंस आर्चर मीरो को हराकर न्यू TNT चैंपियन बन जाए तो एक काफी बड़ी सरप्राइजिंग थिंग होगी, जहां पर अभी हाल ही में मीरो चैंपियन बने हैं और AEW उनको इतनी जल्दी हराकर उनसे चैंपियनशिप छीन ले। और दोस्तों लेंस आर्चर एक काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होने वाले हैं मीरो के लिए और उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है अपनी TNT चैंपियनशिप को बचाने के लिए। और दोस्तों अगर लेंस आर्चर इस मैच में जीतते हैं और वो TNT चैंपियन बनते हैं तो एक काफी बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग थिंग होगी AEW डबल और नथिंग के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। हमें जॉन मॉक्सले एंड एडी किंगस्टन वर्सेस यंग बक्स का मैच देखने को मिलने वाला है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और दोस्तों इस मैच में सभी फैंस को उम्मीद है कि हमें टाइटल चेंज देखने को मिलेगा और जॉन मॉक्सले एंड एडी किंगस्टन हमारे न्यू AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमें इस मैच में ऐसा देखने को नहीं मिलता बल्कि यंग बक्स मॉक्सले एंड एडी किंगस्टन को हरा दे और वो अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर ले तो ये भी काफी बड़ी शॉकिंग थिंग होगी। और दोस्तों इस मैच में हमें हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं यंग बक्स की गुड ब्रदर्स, जो कि आकर हमें इस मैच में इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे और उसकी वजह से यंग बक्स मॉक्सले एंड एडी किंगस्टन को हराकर अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर ले। सो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि हमें AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, ऑरेंज कैसिडी वर्सेस पार्क वर्सेस केनी ओमेगा। और दोस्तों इस मैच में टाइटल चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं, लेकिन अगर हमें इस मैच में टाइटल चेंज देखने को मिलता है और ऑरेंज कैसिडी हमारे न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो ये रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, जहां पर ऑरेंज कैसिडी हमें पार्क और केनी ओमेगा को हराकर न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। और हमने इस हफ्ते डायनामाइट शो पर देखा था जहां पर ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा के ऑफर को ठुकरा दिया और उसके बाद केनी ओमेगा और पार्क इन दोनों पर अटैक कर दिया और उन्होंने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने हाथों में उठाकर एक काफी बड़ा सेगमेंट दिया था सभी फैंस को कि AEW डबल और नथिंग में ऑरेंज कैसिडी पूरी जी जान लगा देंगे केनी ओमेगा और पाक को हराने में और वो हमारे न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और दोस्तों इस मैच का रिजल्ट मैं यही देखना चाहता हूँ जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी हमें न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई दे। मैं ऑरेंज कैसिडी को AEW वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ देखना चाहता हूँ। दोस्तों अब बात करते अपने लास्ट थिंग के बारे में। हमें कैसिनो बैटल रॉयल मैच देखने को मिलने वाला है जहां पर हमें काफी बड़ा सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी रूमर्स आ रहे हैं कि हमें इस मैच में हमें ब्रोक लेसनर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दें AEW के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके चांसेस काफी कम हैं, ये सिर्फ रूमर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि WWE ब्रोक लेसनर को किसी भी कीमत पर AEW में जाने देगी। WWE को चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन वो ब्रोक लेसनर को AEW में जाने से रोक लेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी रूमर्स है कि हमें इस मैच में ब्रोक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी अंड्राडे के भी काफी ज्यादा रूमर्स है और डे मेजर ने खुद बोला है कि हमें कैसिनो बैटल रॉयल मैच में अंड्राडे देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि अंड्राडे की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बन जाती है कि वो हमें AEW के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे कल
डबल और नथिंग के अंदर। सो दोस्तों आप लोग कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोग ब्रॉक लेसनर को AEW के अंदर देखना चाहते हैं या फिर नहीं, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को इनमें से सबसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग थिंग कौन सी लगने वाली है। सो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।